हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ कक्षा 7 की साइंस। जो हमारा चैप्टर है वो दूसरा चैप्टर है और हमारे चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। दो पार्ट्स में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है और तीसरे चैप्टर में मैं पूरा आपकी जो एक्सरसाइज है वो पूरी कराऊँगी। ठीक, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो देख लीजिए। तो भाई हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ 1 महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा, इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे, उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपना अभ्यास जो है वो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला जो का वाला है उसमें लिखा है कि मानव पोषण के मुख्य चरण डैश 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 एवं हैं। तो मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? अंतर्ग्रहण, मतलब सबसे पहले हमने खाना जो है वो ग्रहण किया, फिर पाचन है मतलब हमने उसका फिर पचाया, फिर अवशोषण मतलब उसमें से जो भी हमारे पोषक तत्व हैं वो अवशोषित हुए, फिर स्वांगीकरण, फिर उसका स्वांगीकरण हुआ अवशोषण के बाद, मतलब वो हमारी क्षुद्रांश वगैरह में जाकर उसमें जो पानी वगैरह है वो अलग हुआ, उसमें इस तरीके की हुई क्रिया। फिर निष्कासन है, निष्कासन में क्या होता है कि हमारा जो खाना अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है बॉडी से, इस तरीके से ये मुख्य चरण होते हैं। फिर अगला जो हमारा खा वाला है वो क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम डैश है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। आमाशय में, फिर गा है हमारा, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो मानव आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और किसका स्राव होता है? पाचक रसों का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। अगला हमारा क्या है घा वाला, वो ये है क्षुद्रांग की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो क्या कहलाते हैं, जो दीर्घरोम या रेशांकुर कहलाते हैं। अगला जो हमारा चा वाला है पॉइंट वो ये है, अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। तो अमीबा जो होता है अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसमें सही गलत बताना है। तो का वाला है उसमें क्या है हमारा क्वेश्चन कि मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो भाई मंड का पाचन जो होता है आमाशय से प्रारंभ नहीं होता है, इसलिए ये बात हमारी असत्य हो गई, ठीक है। अगला हमारा खा वाला है वो इसमें लिखा है, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जीभ में ही हमारी लार ग्रंथि होती है जिसे हम लाला ग्रंथि भी कहते हैं। गा वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा है, पित्ताशय में पित्त रस स्थायी रूप में भंडारित होता है। तो ये बात भी सही है, पित्ताशय में ही हमारा पित्त रस जो होता है अस्थायी रूप में भंडारित होता है, ठीक है। और फिर घा वाला है उसमें लिखा है कि रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हो। तो ये बात भी सही है, जैसे गाय भैंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जुगाली करते रहते हैं, उसी को ही बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, उसमें हमको एक सही पे चिन्ह लगाना है, विकल्प बताना है सही कौन सा है। तो का वाला है, वसा का पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है वो कौन सा है? तो वसा का पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्षुद्रांत है। क्या नाम है? जिसमें वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है उसको हम क्षुद्रांत या छोटी आंत कहते हैं। और जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? बृहद्रांत, मतलब बड़ी आंत कहते हैं। तो जल का अवशोषण किस में होता है? बड़ी आंत में होता है। और वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो
तो अगला क्वेश्चन है जो हमारा, वो ये है, वसा का पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है वह, अच्छा ये तो हमने पढ़ा दिया है, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है चार, ठीक है, चार, वो चार जो है अगला हमारा क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है हमको, मिलान करना है। तो कॉलम ए में लिखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और कॉलम बी में लिखा है पाचन के उत्पाद में लिखा है वसा, अम्ल, ग्लिसरॉल, शर्करा और अमीनो अम्ल, तो हमको मिलाना है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या बनता है पाचन के बाद, क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन के बाद शर्करा बनाता है, मतलब ग्लूकोज बनाता है, और प्रोटीन क्या बनाता है, प्रोटीन जो है पाचन के बाद क्या बनाता है, अमीनो अम्ल बनाता है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा बनाता है, वसा क्या बनाती है, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल बनाती है। तो वसा क्या बनाती है पाचन अम्ल के बाद, वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बनाता है, ठीक है, ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन वो पांचवा क्वेश्चन है, क्या हमारा पांचवा क्वेश्चन, दीर्घरोम क्या है, क्या है दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे रसांकुर भी कहते हैं। दीर्घरोम जो होता है वो पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र जो होता है वो बढ़ा देता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वो हो जाता है, और यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, ठीक है। तो दीर्घरोम क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं, दीर्घरोम जो होता है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति जो होती है उसमें उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे हम रसांकुर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रसांकुर भी कहते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, क्षुद्रांत में पाए जाते हैं, और उसके कार्य क्या होता है, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो पित्त रस का स्राव जो होता है यकृत, जो कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, उससे होता है, जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है, और पित्त वसा के पाचन में मदद करता है। अगला हमारा सातवां क्वेश्चन है वो ये है, कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रुमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव नहीं, इसका कारण बताइए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज, जिसे एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, के पाचन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, और रुमिनेंट की आहार नाल जो होती है, जो जैसे गाय भैंस वगैरह हुई उनकी उनको रुमिनेंट बोला गया है, ठीक है, क्योंकि ये जुगाली करते हैं। रुमिनेंट की आहार नाल जो होती है मनुष्यों की आहार नाल से बड़ी होती है, इसलिए सेलुलोज जो होता है रुमिनेंट द्वारा पचाया जा सकता है, लेकिन मनुष्यों द्वारा पचाया नहीं जाता, और मनुष्य चुगाली नहीं करता है, मतलब उसमें रुमेन की अनुपस्थिति। तो अगला क्वेश्चन हमारा आठवां क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज से हमें ऊर्जा क्यों प्राप्त होती है, आइए इसका आंसर देखते हैं। हमें ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है क्योंकि कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में आसानी से अटूट हो जाता है और ऊर्जा निकल जाती है। तो ग्लूकोज से ऊर्जा हमें कैसे मिलती है, हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है क्योंकि कोशिकाओं में ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की मदद से, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है और ऊर्जा निकल जाती है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है वो नवा क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं, जिसमें क्या करना है हमें आंसर देने हैं। पचे भोजन का अवशोषण किस में होता है, तो पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, और भोजन को चबाना किससे चबाते हैं, मुख गुहिका से चबाते हैं। फिर तीसरा है हमारा जीवाणु नष्ट करना, तो जीवाणु किस में नष्ट होते हैं, आमाशय में नष्ट होते हैं। फिर भोजन का संपूर्ण पाचन किस में होता है, छोटी आंत में ही संपूर्ण पाचन होता है। फिर मल का निर्माण कहाँ होता है, तो मल का निर्माण बड़ी आंत, जिसे बहिर्दांत कहते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है दसवां, देखते हैं क्या है, दसवां क्वेश्चन है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो हमारा आंसर समानता में ये है, क्या समानता है देखते हैं, भोजन के पाचन तथा उससे प्राप्त ऊर्जा की बुनियादी प्रक्रिया अमीबा के साथ साथ इंसानों में भी समान है। अमीबा में भोजन के पाचक रस स्रावित होते हैं जो भोजन पर कार्य करते हैं तथा इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। धीरे धीरे पचा हुआ भोजन अवशोषित
होता है। इसी तरह मानव में विभिन्न पाचक रस जैसे कि मुंह में, पेट में, आँत में, ये भोजन में मिलकर काम करते हैं और क्या करते हैं, इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। और अंतर क्या है देखते हैं। अमीबा में पाचन प्रक्रिया जो होती है वो सरल होती है, जबकि मनुष्य में यह क्रिया जो होती है वो जटिल प्रक्रिया है। अंतर ग्रहण और उत्सर्जन की प्रक्रिया काफ़ी भिन्न होती है। अमीबा अपने भोजन को पदार्थ के माध्यम से पकड़ता है, ठीक है, अमीबा अपने भोजन को पदार्थ के माध्यम से पकड़ता है। अवशोषण के पश्चात बिना पचा हुआ भोजन खाद्य धान्य द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि मनुष्यों में भोजन मुंह के अंदर ले जाया जाता है तथा पाचन और अवशोषण की एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। तो क्या होता है, मनुष्यों में जो भोजन होता है वो मुँह से अंदर ले जाया जाता है और पाचन और अवशोषण की एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। अंत में बचा हुआ पदार्थ जो होता है मल के रूप में निकल जाता है। हमको मिलान करना है तो कॉलम ए में क्या क्या लिखा है, लाल ग्रंथि, आमाशय, यकृत, मलाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत। कॉलम बी में क्या लिखा है, पितरस का श्रावण, बिना पचे भोजन का भंडारण, लाला ग्रंथ रस श्रावित करना और अम्ल का निर्मोचन, पाचन का पूरा होना, जल का अवशोषण, मल त्याग। तो आइए इसका, तो लाला ग्रंथि जो होती है वो कहाँ से स्रावित होती है, लाला रस से स्रावित होती है। आमाशय क्या करता है, अम्ल का निर्मोचन करता है, अम्ल का निर्माण करता है। यकृत क्या करता है, तो अगला जो है वो हमारी लाला ग्रंथि कहाँ से स्रावित होती है, ये स्रावित होती है हमारे लाला रस श्रावित कहाँ, लाला ग्रंथि क्या करती है, लाला रस श्रावित करती है। आमाशय क्या करता है, अम्ल का निर्मोचन मतलब निर्माण करता है। यकृत जो है पितरस का निर्माण करता है, पितरस का श्रावित करता है। और मलाशय से मल त्याग होता है, क्षुद्रांत से पाचन का पूरा होना होता है, बृहदांत से जल का अवशोषण होता है और बिना पचे भोजन का भंडारण भी करता है। तो बृहदांत क्या करता है, जल का अवशोषण और बिना पचे भोजन का भंडारण करता है। इन्होंने एक कुछ चित्र दिखाए हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है पाचन तंत्र के आरे को नामांकित करना है। जैसे कि इन्होंने, ये जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, यकृत है। ये जो हमको दिख रहा है वो हमारा पित्ताशय है, ये हमारा आमाशय है, ये हमारा अग्नाशय है, ये हमारी जो अंदर है वो क्षुद्रांत है, ये हमारी जो बाहर है वो बृहदांत है, ये हमारा मलाशय है और ये हमारा क्या है, गुदा है। तो ये मानव का पाचन तंत्र है और ये, तो यही चीज़ हमको दिखाना था। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या बता रहे हैं कि क्या हम केवल हरी सब्जियों, घास का भोजन कर जीवन का निर्माण कर सकते हैं, चर्चा करिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कच्चे पत्तेदार सब्जियां और घास सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध हैं और मनुष्यों सहित कई जानवर सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते क्योंकि उनके पास विशेष एंजाइम और कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया नहीं होते हैं जो सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। इसलिए हम उनको सब्जी ईयों को उबालते या पकाते हैं जो सेल्यूलोज को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देते हैं। हम केवल सब्जी को उबले हुए या पके हुए रूप में खाकर उनको पचा सकते हैं। मतलब क्या होता है कि हम किसी से, यानी जो पत्तेदार वगैरह सब्जियां होती हैं उनमें से कई सब्जियां जो ऐसी होती हैं, अगर हम उनको कच्चा खाएंगे तो हमको नहीं पचा पाएंगे। क्यों नहीं पचा पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में जो पचाने वाले एंजाइम वगैरह जो निकलते हैं, रस जो स्रावित होते हैं वो नहीं होते हैं, वो कुछ जानवरों में स्रावित होते हैं, इसलिए वो उनको कच्चा चबा जाते हैं, ठीक है, और पचा भी जाते हैं। इसी अगर हम उनको खाना चाहते हैं तो हम या तो उनको पकाएंगे या तो उनको उबाल के खाएंगे तो ही हम उनको पचा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। और जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के जाइएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई आपको ये इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि जो हमारा चैनल है इस पर एक ऑफ़र चल रहा है। क्या करना होगा आपको, सिर्फ एक महीने तक आपको हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके एक महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें रैंक उन्हीं की बनेगी जो एक दिन में 15 से ज़्यादा शेयर करेंगे, जो 15
से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा एक दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें, जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भाई हमारे चैनल पर जाने के बाद प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पर जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपको माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन, टिश्यू पेपर हुए, इनसे, ठीक है। तो भाई ये तो बात हुई हमारी। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है, ठीक है। भाई पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।